तो यार बहुत हो गई इन्फिनिक्स और टेक्नो की बातें लेकर, आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेडमी नोट 10 अल्ट्रा के बारे में। अब यार ये जो फ़ोन है पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर काफ़ी जल्दी आने वाला है। ये स्मार्टफोन 1 से 1.5 महीने के अंदर ग्लोबली लॉन्च होगा, उसके बाद हो सकता है कि स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट भी हमें देखने को मिल जाए। Redmi Note 10 Ultra की कुछ स्पेसिफिकेशन जो है लीक हुई हैं। आज की वीडियो में आपको स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और प्राइसिंग पाकिस्तान बताएंगे और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताएंगे कब तक हमें स्मार्टफोन है पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं या कम प्राइस के अंदर 5G स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर चलना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो को जो लाइक टारगेट है सिर्फ 10 लाइक है, तो जल्दी इस लाइक को पूरा कर दीजिए और चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिस्प्ले को लेकर। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.53 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट और फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन और कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। यार इस स्मार्टफोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, इट्स अमेजिंग। और यार यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, यानी कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले यानी कि यार फिंगरप्रिंट स्कैनर को होना चाहिए डिस्प्ले के अंदर। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है Xiaomi की, इसलिए ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे देते हैं। बड़ा बात कर रहे थे हम स्मार्टफोन मेमोरी वेरिएंट्स की। तो भाई इस स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट आएंगे पाकिस्तानी मार्केट में और 2 वेरिएंट ग्लोबली जाएंगे। एक होगा 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज और बड़ा वेरिएंट होगा 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज। UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप होगी, LPDDR4 RAM टाइप प्रोवाइड की जाएगी। तो भाई बैक डिज़ाइन की बात कर लीजिए, बैक पे आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ ही जो बड़ा लेंस है वो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है और बैक पे आपको LED फ्लैश लाइट और Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यार बैक का जो डिज़ाइन है वो मेड फिनिशिंग के अंदर आएगा। अभी बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई आपको Redmi Note 10 Ultra का जो बैक डिज़ाइन जो है पसंद आया कि नहीं। यार मुझे तो डिसेंट डिज़ाइन ही लगा है, ना इतना कोई अच्छा है और ना ही इतना कोई बुरा है, बस डिसेंट ही आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरा सेटअप को लेकर, तो भाई बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा जिसमें 64MP का है, साथ हो सकता है कि 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक 64MP का मेन कैमरा ही जो है अभी तक कन्फर्म किया गया है Xiaomi की तरफ से। अगर मैं बात करूँ फ्रंट सेल्फी की, तो भाई फ्रंट पे आपको 13MP की सेल्फी देखने को मिलेगी या फिर 16MP की सेल्फी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस करेगा और यहाँ पर आपको MIUI 12.5 देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से स्टेबल वर्जन है Xiaomi का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्टफोन प्रोसेसर को लेकर यानी कि चिपसेट को लेकर, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek तरह से वाला MediaTek Dimensity 1100। अब यार देखो ये जो स्मार्टफोन है एक गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन को प्रोवाइड करेगा और ये जो चिपसेट है एक 5G चिपसेट है। मेंस के आपको यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर जो पबजी की परफॉर्मेंस होगी वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आएगी, विदाउट एनी लैग विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप यू कैन प्ले पबजी मोबाइल ऑन इट। बहरहाल यार ये थे स्पेक्स ऑफ रेडमी नोट 10 अल्ट्रा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के यहाँ पर बैटरी को लेकर। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 5000mAh की बड़ी बैटरी साथ 33W का फास्ट चार्जर, टैप सी कनेक्टिविटी, 3.5mAh जैक और डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्ट काफ़ी अच्छा गेमर्स के लिए अगर आपने गेमिंग करनी है, यहाँ पर जो हीटिंग है वो थोड़ी सी देखने को मिलेगी लेकिन वो कूल डाउन होता है क्योंकि यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। यस प्राइसिंग मेन बात होती है, तो Xiaomi कभी प्राइसिंग को लेकर खेलता नहीं है पूरा पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर। अब यार देखो इनका जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर, पता नहीं Xiaomi का कोई फ़ोन है वो 50,000 के अंदर 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अब यार ये जो फोन है Redmi Note 10 Ultra, इसकी जो प्राइस होगी पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर वो अंडर 50,000 रखी जाएगी। अगर ये स्मार्टफोन अंडर 50,000 आता है काफ़ी सारे स्मार्टफोन का लॉन्च डेट की बात करी जाए, अब ये स्मार्टफोन जो ग्लोबली मार्केट में लॉन्च होगा 1 से 1.5 महीने के बाद, उसके बाद ये स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर आएगा। अगर आप तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।